हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैनल ऑफ स्पर्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन जो है बहुत बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स इस लेसन को आज का हमारा लेसन क्या है स्टूडेंट्स ये हम देख लेते हैं हमारा लेसन है इंग्लिश वाकेबलेरी कोर्स और कीजिए स्टूडेंट्स इंग्लिश वकेबलेरी कोर्स ओके और कीजिए स्टूडेंट्स ये सारा जो है एक पूरा इंग्लिश वकीबले का एक पूरा कोर्स जो है हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है स्टूडेंट्स इसमें आपको ये कोर्स जो है एक बेहतरीन अंदाज़ में मैं आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स ऐसा कोर्स जो है आपको इंग्लिश वकीबलेरी का कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतनी सिंपल मेथड से आपको मैं सिखाऊंगा कि बहुत ही सिंपल मेथड होगा स्टूडेंट्स गौर कीजिए स्टूडेंट्स ये सारा कोर्स जो है मैं आपको हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में सिखाऊंगा स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश वकीबलेरी कोर्स जो है हिंदी उर्दू लैंग्वेज में सिखाऊंगा और मेरे यूट्यूब चैनल चाइना फेस्टल्स में आपको सिखाऊंगा ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं वॉट इज वकेबलेरी ओके हमारा पहला सवाल क्या होता है वोकेबलेरी हम जैसे ही डेवलप करना चाहते हैं तो वोकेबलेरी क्या होता है ये तो हमें जानना जरूरी है स्टूडेंट्स वोकेबलेरी क्या है ये हम जान लेते हैं पहले ओके दॉडी ऑफ वर्ड्स यूजड इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज ओके किसी भी जबान की ओके okay, जो जिसम होता है जो बॉडी होता है स्टूडेंट्स वही वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स ओके उन वर्ड्स किसी भी जबान में जो है जो शब्द होते हैं जो अल्फाज होते हैं जो लफ्ज़ होते हैं स्टूडेंट्स उन लफ्ज़ों को हम वोकेबले कहते हैं ओके okay, इन लफ्ज़ों को इन शब्दों के बिना जो है कोई जबान ही नहीं होता स्टूडेंट्स ओके दुनिया में ऐसी कोई लैंग्वेज वर्ड्स के बिना हो ओके okay, वर्ड्स के बिना कोई भी लैंग्वेज नहीं है स्टूडेंट्स ओके okay, और कीजिए स्टूडेंट्स वकेबलेरी इज ऑल लैंग्वेज एंड वर्ड्स आईदर यूज और अंडरस्टूड बाई ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल ओके वकीबले जो होता है स्टूडेंट्स एक पूरा जबान होता है ओके okay? वकीबले जो है एक पूरा जबान होता है स्टूडेंट्स और ये जो है वर्ड्स शब्द जो होते हैं स्टूडेंट्स ये शब्द के लिए हम किसके लिए इस्तेमाल करते वर्ड्स को एक मैसेज को दूसरों को पहुँचाने के लिए जो है हम शब्दों का इस्तेमाल कर कर पहुँचाते हैं ओके okay? इनका वर्ड्स का इस्तेमाल कर कर एक मैसेज जो है हम दूसरे को कन्वे करते हैं ओके समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको चाहे वो एक पर्सन हो या फिर पीपल हो ओके एक से ज़्यादा लोग हो वर्ड्स का इस्तेमाल जो है मैसेज को पहुंचाने के लिए और उसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओके ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स वॉट आर दी फोर टाइप्स ऑफ वोकेबलरी ओके वकेबलेरी के फोर टाइप्स क्या क्या है स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं वकीबले के जो है चार टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स ओके फोर टाइप्स होते हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं स्टूडेंट्स उन टाइप्स में किन तरह के वर्ड्स जो है किन तरह के लफ्जों का इस्तेमाल होता है किन तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल होता है किन तरह किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता, होता है ये भी हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स ओके गौर कीजिए वकीबलेरी रेफर्स टू दी वर्ड्स वी मस्ट अंडरस्टैंड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली ओके ओके शब्दों का इस्तेमाल जो है समझने के लिए और अच्छी तरह से इफेक्टिवली ओके okay? अच्छी तरह से बात करने के लिए बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है ओके या तो हमें समझना अच्छा जरूरी होता है जिस तरह हम समझेंगे उसी तरह हम जो है बातचीत को जो है असरदार जबरदस्त तरीके से हम बात कर पाएंगे ओके लेकिन ये जो है हमारी बातचीत जो है लफ्जों के बिना नहीं होगा स्टूडेंट्स ओके वकेबलेरी वर्ड्स के बिना जो है ये इंपॉसिबल है स्टूडेंट्स हमें वर्ड्स को जानना बहुत बहुत जरूरी होता है ओके एजुकेटर्स ऑफन फन कंसिडर फोर टाइप्स ऑफ

क्या होता है Students, उन शब्दों का इस्तेमाल होता है जिसको हमें सुनकर समझना चाहिए ओके okay? सुनकर समझने के बाद ही जो है हम उन सवालों का या फिर आपको कोई सवाल पूछ रहा है तो उन स उसको सवाल को आपको गौर से सुनना चाहिए उस सवाल में जो है वो कौन से कौन से शब्द इस्तेमाल करता है ओके कौन से कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करता है उसके मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स वो किस अंदाज में बोल रहा है ये चीज़ें जो है हमें नोटिस करनी है हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए उसके बाद ही जो है हम उस सवाल का जवाब दे पाएंगे ओके लिजनिंग एक्टिविटी जो है को लिजनिंग वोकेबलेरी का इस्तेमाल या इसी तरह होता है ओके नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्पीकिंग वोकेबलेरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स वी यूज वेन वी स्पीक ओके स्पीकिंग वॉकेबलेरी क्या होता है स्टूडेंट्स जब भी हम बातचीत करते हैं जब भी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ओके okay? जब भी हम किसी को पूछते हैं तो उस वक्त जो है वर्ड्स जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वही स्पीकिंग वैबलरी होता है स्टूडेंट्स ओके okay? अच्छा एक बात गौर कीजिए स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी वर्ड्स को वर्ड्स ही नहीं पता हो तब आप किस तरह बातचीत कर पाएंगे तब आप किस तरह अपना मैसेज जो है अपनी सोच किसी और के सामने किस तरह रख पाएंगे ओके अपनी बात जो है आप किस तरह रख पाएंगे हमें इसीलिए जो है स्पीकिंग वोकेबलेज ओके वोकेबले जो के बोलने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन वर्ड्स का जो है हमें समझना और सीखना बहुत जरूरी होता है ओके तभी तो हम बोल पाएंगे समझ आ गया बात आपको उसके बाद ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स हम तीसरा टाइप जो है वोकेबलेरी का गौर करते हैं रीडिंग वोकेबले रेफर्स to the words we need to now to understand what we read okay गौर कीजिए स्टूडेंट्स रीडिंग वकेबलेरी जो है क्या है स्टूडेंट्स वी नीड टू नो अंडरस्टैंड ओके हमें रीडिंग वैकेबलेरी जब भी हम किसी ऐसे को पढ़ते हैं किसी पैराग्राफ को पढ़ते हैं किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं किसी मैगजीन को पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड्स ही होगा स्टूडेंट्स ओके वोकेबले होगा उन वकेरी को उन वर्ड्स को जो है आपको समझना बहुत जरूरी होता है ओके okay? आप उन वकीबले को आप उन वकीबले को जो है जानना और समझना बहुत जरूरी होता है उसी के बाद जो है आप उन उसमें क्या लिखा है उस मैगजीन

कंसिस्ट ऑफ दी वर्ड्स वी यूज इन राइटिंग ओके राइटिंग वोकेबलरी वही वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो हमें लिखने के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं ओके okay? अगर आप किसी को भी लेटर लिखना चाहते हैं कि लेटर के जरिए आप ये किसी को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ओके okay? तब हम जो इन जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन स्ट्रक्चर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से हम अपने लफ्जों को पेश करते हैं स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी होता है ओके okay? देखिए स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स हैं ओके बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि किन वर्ड्स का इस्तेमाल हम किन के साथ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दोस्त के साथ बोल रहे हैं तो अरे चलना यार क्या हुआ इस तरह कह सकते हैं अगर वही आप किसी टीचर से या फिर किसी बड़े इंसान से आप बात करते हैं किसी बड़े लोगों से आप बात करते हैं तो उस वक्त आपको किन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए आपका मैनर किस तरह होना चाहिए ओके okay? वर्ड्स का जो है पोलाइट मैनर होना चाहिए okay? ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए ओके okay? मैं आपको तुम भी कह सकता हूँ आप भी कह सकता हूँ ओके okay? दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स तुम और आप ओके हिंदी उर्दू लैंग्वेज में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स तुम का कहना भी करेक्ट है और आपका कहना भी करेक्ट है लेकिन जब भी आप आपका इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट के तौर पर बताया जाता है ओके एक इज्जत के तौर पर बताया जाता है एक जो है एक पोलाइट मैनर दिखाया जाता है तो आपका इस्तेमाल बहुत ही बेहतर होता है इस तो इसी तरह जो कि बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना और मैसेज में जो है हम पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है ओके राइटिंग में लिखते हैं तब ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स राइटिंग वर्ड्स का जो है इस्तेमाल ई में अक्सर जो है लेटर्स में और बहुत सारे एग्जाम्स में जो है आपको वर्ड्स राइटिंग लिखना पड़ता है तो उन उस वक्त जो है हमें अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ हमारा अगला सवाल क्या है स्टूडेंट्स वाट आर दी मेथड्स फॉर वकेबले डेवलपमेंट ओके वकेबलेरी को डेवलप करने के लिए वकेबले डेवलपमेंट के लिए हमें किन मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए ओके okay? वो क्या क्या मेथड्स हैं स्टूडेंट्स ये मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है ओके okay? ये ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा ओके okay? इनमें से हम किस तरह का मेथड इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा ओके okay? ये पूरा जो है वकीबलरी का एक पूरा कोर्स ला कर लाया हूँ स्टूडेंट्स में आपको ये सिर्फ शुरुआत है स्टूडेंट्स ये शुरुआत का पहला वीडियो है इसका ओके okay? ये पहला लेसन है इस वीडियो की शुरुआत से आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको इस तरह के वर्ड्स आपके सामने लाऊंगा स्टूडेंट्स इस तरह की वकेबलेरी इस तरह की डेवलप करूंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने वकेबलेरीज किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कितने किस तरह सीख रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा ओके बहुत ही कम समय में मैं आपको सिखा दूंगा ओके आपको ज़्यादा वक्त देने के लिए ज़रूरत ही नहीं है अगर आप यूट्यूब में टाइप करेंगे तो वकेबलेरीज तो आठ घंटे की दस घंटे की वीडियोज़ जो है अवेलेबल होती है इतना समय देने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स ओके ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ है स्टूडेंट्स लफ्ज़ों का सीखना जो है बहुत ही बेसिक होता है और आसान तरीके से हमें सीखना चाहिए ओके ओके किन तरीकों से हम सीख सकते हैं स्टूडेंट्स ये मेथड्स क्या क्या हैं पहला मेथड हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कीप ए नोट बुक ऑफ वर्ड्स ओके कीप ये नोटबुक ऑफ़ वर्ड्स गौर कीजिए स्टूडेंट्स आपको अपने पास जो है एक नोटबुक रखना चाहिए ओके okay? वर्ड्स को सीखने के लिए एक नोटबुक रखना चाहिए एक गौर कीजिए स्टूडेंट्स आपको जो है कोई बड़ी सी नोटबुक या अपनी डायरी रखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स आपको सिर्फ जो होता है जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखाया है स्टूडेंट्स मैंने अप, मैं, अपने हाथों में लेकर दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स गौर कीजिए वो आ, ये जो डायरी होता है स्टूडेंट्स ओके okay? इंडिया और पाकिस्तान में आपको आसानी से मिल जाएगा ओके okay? पाकिस्तान में तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा हर जगह जो जो है ये डायरी मौजूद है इंडिया में शायद आपको क्लासमेट के नाम से एक डायरी मिलते हैं स्टूडेंट्स फाइव रुपीस या फिर सिक्स रुपीज की एक डायरी होती है स्टूडेंट्स मंथली आपको ये एक डायरी खरीदना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स ओके इस वोकैबुलरी के कोर्स में जो है इस तरह की एक डायरी आपके पास होना मौजूद रहे आप लेकर खरीद कर रख लें ये बहुत बहुत जरूरी है ओके आपको तीन चीजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है पहला चीज ये नोटबुक है स्टूडेंट्स और दूसरा चीज एक पेन जो है आपके आपके पास रखना बहुत जरूरी है पेन कोई बड़ी कीमत वाली चीज नहीं है स्टूडेंट्स आपको ये डायरी देखेंगे तो पॉकेट डायरी जो है सिर्फ पांच या छह रुपए में आपको मिल जाएगा ओके okay? पेन जो है आजकल जो है तीन या चार रुपए में भी आपको आसानी से मिल जाता है स्टूडेंट्स ओके okay? दस रुपए यहाँ तक तो हो गए और तीसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स जो कि okay? आपका अपना मोबाइल है ओके आपका मोबाइल जो है स्टूडेंट्स जो आप ये वीडियो जो है आप मुझे पक्का पता है अक्सर लोग जो है अपने पीसी में देख सकते हैं या फिर मुझे हंड्रेड परसेंट नाइन्टी परसेंट मुझे अच्छा पता है स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मैं जानता हूँ कि आप ये वीडियो मोबाइल में ही देख रहे होंगे ओके व्हाट्सअप के जरिए देख रहे होंगे या फिर यूट्यूब में लॉग इन करके कर देख रहे होंगे कहां पर भी आप देख रहे होंगे ओके okay? इन तीनों चीजों का जो है इन इस वकेबलेरी के कोर्स में आपको बहुत बहुत जरूरी है ओके okay? एक मोबाइल और दूसरा जो है पेन और तीसरा जो है इस तरह की डायरी ओके okay? गौर कीजिए स्टूडेंट्स हमारा दूसरा मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स टेक वकेबले क्विजेस ओके जिस तरह से मैं आपको इस कोर्स में आगे बढ़ता जाऊंगा आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर जो है मैं आपको वकेबलेरी की क्विजेस भी रखूंगा ओके आपको उन वकीबलेरी की क्विजेस में जो है पार्टिसिपेट करना है और आपके मार्क्स जो है कितने हैं ये भी देखना है स्टूडेंट्स ओके वकेबलेरी के क्विजेस जो है बहुत ही आसानी से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स लेकिन जो है आपको इन वर्ड्स की वकेबलेरी में क्विज में अटेंड करना है इसको पार्टिसिपेट करना है और आपके मार्क्स कितना है ये भी आपको देखना है वकेबलेरी क्विजेस में ओके okay? ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स ओके okay? जैसे जैसे आप नोट करते जाएंगे आप सीखते जाएंगे लेकिन उसको जो है आपको प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है ओके okay? क्विजेस में जिस तरह आप याद रखेंगे आपको पता चलेगा कि कितने वोकेबलरीज आप आपने अपने जहन में बिठा कर रखे हैं ओके okay? आपके अपने माइंड में कितने वोकेबलरीज रखे हुए हैं ये आपको पता चलेगा क्विजेस में पार्टिसिपेट करने से ओके okay? और कीजिए स्टूडेंट्स हमारा तीसरा चीज क्या है स्टूडेंट्स ट्राई फ्लैश कार्ड्स ओके फ्लैश कार्ड्स जो है वो कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है स्टूडेंट्स आपको पता होगा एक जिस तरह मैं आपको स्क्रीन में एक कार्ड की तरह मैं दिखा रहा हूँ जो पिक्चर जो है आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसी तरह का एक कार्ड होगा स्टूडेंट्स ओके उसमें फ्रेंट फ्रंट में जो है आपको एक वर्ड लिख लेना है और पीछे जो है उन उस, उस कार्ड के पीछे जो है आपको उसका मीनिंग लिख लेना है स्टूडेंट्स तो आपको इस तरह से जो है आपको एक हंड्रेड हंड्रेड कार्ड्स या फिर टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड कार्ड्स जो है आपको जमा लेने हैं और इसी तरह से आपको गेम में खेल लेना है स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स के साथ जम जाएँ या फिर आपके किसी अपने भाई बहनों के साथ किसी तरह जमकर जो है कोई भी आपको एक वर्ड एक कार्ड एक उठाना है फ्लैश कार्ड और उसको बताना है कि उसमें जो भी वर्ड आप देखें उसका मीनिंग जो है आपको बताना है ये बहुत ही आसान मेथड है स्टूडेंट्स लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा मैं जानता हूँ कि आपको इतना समय नहीं है कि आप फ्लैश कार्ड बना सकें ओके तो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स आप मेरे कोर्स को जो है कंटिन्यू देखते रहें स्टूडेंट्स डेली के डेली बेसिस में आपको अच्छी तरह वकीबलरी डेवलप हो जाएगा ओके okay, ये तीसरा मेथड था स्टूडेंट्स ओके okay? अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपना फोर्थ मेथड ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स वकेबलरीरी वर्ड्स जो है जो आप तो मेरे कोर्स के जरिए जो है आप अच्छी तरह सीख जाएंगे लेकिन उन वर्ड्स को आपको क्या करना है ओके okay. पहला जो है आप अपनी डायरी में नोट करेंगे और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स आप इन वर्ड्स को जो है बहुत ही जोर अंदाज से ओके लाउडली जो है आप उसको प्रोनाउंस करेंगे ओके okay? प्रोनाउंस करेंगे उन वर्ड्स को आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउंस करके दिन में ये क्या दो दफा जो है आप करेंगे तो ये बेहतर होगा स्टूडेंट्स ओके okay? ज्यादा वक्त आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं है और तीसरा मेथड जो है स्टूडेंट्स गौर कीजिए यूज इट और लूज इट का जो है तीसरा पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को रखकर जो है इन वर्ड्स को आपको मेंटली या फिर अपने राइटिंग में ओके okay? मेंटली जो है आपको एक सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट्स ओके मेंटली जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं नोटबुक एक वर्ड है स्टूडेंट्स ओके okay? आपके स्क्रीन में आई हैव माई नोटबुक ओके तो इस तरह जो है आप मेंटली जो है अपने अपने जहन में ही है, जो है स्टूडेंट्स आपको सेंटेंस बनाना है या फिर आप अगर बेहतर होगा ओके okay, आपको हो सकता है ऐसा पॉसिबल है तो आप राइटिंग में भी लिख लें ओके okay? लेकिन इस डायरी में जो है आपको राइटिंग में नहीं लिखना है ओके okay? सेपरेट किसी सेपरेट नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स ओके okay? इस डायरी में जो है सिर्फ आप वर्ड्स वर्ड्स uh, जो है लिखेंगे जो वर्ड्स जो है आपको पता नहीं है ओके okay? उसी वर्ड्स को जो है इस डायरी में आपको लिखेंगे लिखना लिखना होगा और जो है उसका मीनिंग जो है आपको लिखना होगा ओके ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स हर दिन के वर्ड्स जो है आपको इस डायरी में लिख लेना है और मीनिंग के साथ लिख लेना है ओके यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स और दूसरी बात जो है एक बात जो है मैं आपको कहना भूल गया स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर फोर इट और लूज इट का पॉइंट नंबर फोर क्या है स्टूडेंट्स आप जैसे ही वर्ड्स को सीखते हैं वकेबलरी को डेवलप करते हैं तो उन वर्ड्स को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने भाई बहनों के साथ ओके okay? या फिर अपने टीचर्स के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी लोग जो है आपके सामने मिलते हैं आपके पास मिलते हैं तो उनसे जो है इन वर्ड्स को शेयर कीजिए उनसे उनको बताइए ये ऐसा एक वर्ड है इस तरह का है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को आप भी अब इस तरह की वकैरी जो है डेवलप कर सकते हैं तो इन वर्ड्स को जो है आप उनके सामने रखिए उन पर जो है उनको भी कहिए कहिए कि आप सेंटेंस बनाएं ओके तो इससे जो है आपकी कम्युनिकेशन जो है आपकी स्ट्रांग बन जाएगी और आप इन वर्ड्स को जो है भूल नहीं पाएंगे ओके चंद स्टूडेंट्स आए थे ऐसे होते हैं कि जो है मैंने मेहनत कर कर मेहनत की है इन वकैबिलीस को डेवलप करने में मैं क्यों दूसरों को शेयर करूँ इस तरह नहीं है स्टूडेंट्स जब तक जो है आप दूसरे दुसर, दूसरे लोगों से जो है शेयर नहीं करेंगे आपकी ख़ुद की नॉलेज नहीं बढ़ पाएगी ओके एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स ये गौर कीजिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके जिस तरह से आप जो है नोट करेंगे इन वर्ड्स को आप इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे मेंटली जो है आप इन वर्ड्स को जो है सेंटेंस uh, में बनाएंगे और जो है इन वर्ड्स को जो है फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे तभी जो है आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग बनती जाएगी ओके okay? वरना जो है आप भूल जाएंगे या तो आपको इस्तेमाल करना है या फिर भूल जाना है यूज इट और लूज इट ओके ये समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ यूज सी डिक्शनरी ओके ये मेथड तो आप कहिए ही मत सर आपके माइंड में यही होगा मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जो है कोई किसी लाइब्रेरी में या फिर किसी घर के जो है एक डिक्शनरी को खरीद कर फिर उसको जो है टाइम निकाल कर उस पर उस डिक्शनरी को उठा कर फिर उस उस डिक्शनरी को ओपन कर कर आ, किसी लेटर का किसी वर्ड्स को जो है सीख सकें ओके किसी वर्ड्स को ढूंढ दू, ढूंढना जो है ये तो हम आ, आप आजकल के बच्चों में तो ये बात ही नहीं है स्टूडेंट्स ओके मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स ये आप नहीं कर सकते ओके बहुत से व्यूवर्स ऐसे हुए कि सर आप बस वीडियो में ही बता दीजिए हम कुछ नहीं करेंगे तो इस तरह का मेथड होता है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं ओके ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको डिक्शनरी इस्तेमाल करना ही है ओके जैसे जैसे आप मेरा कोर्स दिखेंगे तो आप उसी में जो है आपको अच्छी तरह वर्ड्स वोकेबलरी जो है डेवलप हो जाएगा लेकिन आप यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको तीन चीज़ें जो है रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स तो मैं आपको तीन चीज़ें रिकमेंड करूँगा पहला जो है आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में जो है स्टूडेंट्स अपने स्मार्टफोन में आप जो है एक ऐप डाउनलोड कीजिए स्टूडेंट्स ओके फिलहाल जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि हिंदी टू इंग्लिश जो है वह डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं ओके या फिर जो है आप अगर उर्दू आपकी मदर टंग है तो उर्दू टू इंग्लिश जो है डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं ओके और जो है सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है स्टूडेंट्स इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी मैं आपको एक स्क्रीन में भी आपको इसका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा स्टूडेंट्स इसका अब तक तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी इन डिक्शनरी को जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स ओके बेहतर होगा आपके लिए ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ओके okay? हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स रीड रीड एंड रीड सम मोर ओके अच्छा मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स आप में से बहुत से लोग जो है पढ़ना पसंद ही नहीं करते ओके मैं जानता हूं कि आपको जो है कोई को, कोई भी न्यूज़पेपर जो है उठाकर उन पैराग्राफ को उन आर्टिकल्स को पढ़ना जो है बहुत बोरिंग लगता होगा ओके जैसे आप किताब खोल कर बैठते हैं आपका मुंह खुल जाता होगा आपकी आंख लग जाती होगी ये बहुत जो है मुश्किल चीज है मैं जानता हूँ लेकिन आप मेरी वीडियो को देखिए ओके मेरी वीडियोस जो है आने वाली वीडियोस जो है वोकेबलेज पर होगी बहुत सारी वीडियोस आऊंगा लेकर आऊँगा स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि वर्ड्स और मीनिंग को इन वर्ड्स के मीनिंग को समझाऊंगा, ओके इन वर्ड्स को सेंटेंस में समझाऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त मैं इस कोर्स को आगे लेकर जाऊंगा स्टूडेंट्स ये बहुत बहुत ही ज़रूरी है आपको पढ़ना जो है ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स ओके okay? लेकिन मेरी वीडियोज़ को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उन बातों को आपको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है तभी जो है आपकी वोकेबलरी डेवलप होगी तभी जो है आप इंग्लिश में जो है अच्छी खासी वोकेबलरीरी डेवलप करने के बाद जो है आप अच्छा फ्लुएंटली आप इंग्लिश स्पीकर बन सकेंगे ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स प्ले वर्ड गेम्स ओके वर्ड्स का गेम खेलना जो है बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स ओके okay. जब भी आप फ्री होते हैं तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल में अगर आप प्ले स्टोर में जाकर सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट स्क्रैम्बल वर्ड्स तो वर्ड्स को जो है स्क्रैच करने के वर्ड्स के गेम होते हैं बहुत सारे गेम्स होते हैं स्टूडेंट्स इस कोर्स में जो है मैं आपको इन गेम्स के बारे में भी बताऊंगा स्टूडेंट्स गेम्स का भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं कि मेंटली भी आप खेल सकते हैं ओके शब्दों का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं ऐसे गेम की तरह ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स मोबाइल के तरह से आप खेल सकते हैं आप किसी दोस्तों में खेल सकते हैं जैसे आप अपने स्कूल में अपने कॉलेजेस में अपने या फिर ऑफिस में जो है अपने एक तीन चार फ्रेंड्स के साथ जो है वोकेबलरीरीज का गेम खेल सकते हैं ये बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स और इससे जो है आपकी वकीबले बहुत अच्छी तरह डेवलप होती है स्टूडेंट्स ओके okay? इन इस तरह के गेम खेलने से आपको नए वर्ड्स भी पता चलते हैं और जो है इन वर्ड्स को जो है आप माइंड में भी रखते हैं स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा मेथड है स्टूडेंट्स ओके वो कौन से कौन से गेम हैं कौन से कौन से ऐप है ये सो, ये सारी चीजें जो है मैं अपने कोर्स में बताऊंगा स्टूडेंट्स ओके गौर कीजिए हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन कॉन्वर्जेशन ओके ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स आपको जो है इन वर्ड्स को जैसे आप इन सारे वर्ड्स को सीखते हैं उन वर्ड्स को जो है अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है ओके आपको तो मेरे कोर्स की मदद से आपको वर्ड पता चल जाएगा ओके उसका मीनिंग पता चल जाएगा उसका एक सेंटेंस भी आपको पता चल जाएगा उसके बाद जो है आप जैसा मैंने कहा कि आपको जो है उन उन वर्ड को नोट करना है जैसे कि इस छोटी सी डायरी में उन वर्ड्स को जो है डेली एक से दो बार जो है लाउडली प्रोनाउंस करना है फिर जो है आपको मेंटली जो है एक और सेंटेंस आपको बनाना है एक सेंटेंस तो मैं दे दूंगा लेकिन आपको मेंटली जो है एक से एक और सेंटेंस बनाना होगा उन वर्ड्स को रखकर फिर उन वर्ड्स को जो है दोस्तों के साथ शेयर करना होगा फिर जो है उन वर्ड्स को आपको डेली कॉन्वर्जेसन में इस्तेमाल करना पड़ेगा स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे जैसे ये उतना बड़ा मुश्किल नहीं है स्टूडेंट जितना मैं बता रहा हूँ मैं आपको इतने सिंपल तरीके से आपको ये सब करवा दूंगा कि आपको वो पता ही नहीं चलेगा कि आप इतने सारे वर्ड्स uh, सीख चुके हैं इस कोर्स जो है एंड एंड होने वाला होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये बहुत ही एक बहुत ही आसान होगा स्टूडेंट्स ओके okay? ये वकैबलेरी का कोर्स जो है मैं आपको बहुत सिंपल कर दूंगा बहुत आसान कर दूँगा ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स ओके हमारा नेक्स्ट मेथड क्या सुट्स मेक यूज ऑफ स्मार्टफोन्स ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स इस इस सवाल का व्हाट आर दी मेथड्स फॉर वोकेबलरी डेवलपमेंट का इस सवाल का शुरुआत में ही जो है मैंने आपको इस फोन का भी जिक्र कर दिया था ओके okay? स्मार्टफोन्स का भी जिक्र कर दिया था पहले इस कोर्स में आपको सीखने के लिए इस कोर्स को आपको कंप्लीट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी स्टूडेंट्स एक डायरी एक पेन और जो है तीसरा स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के अंदर जो है आपको डिक्शनरी डाउनलोड करनी है जैसा कि मैंने बताया था मेरियम वेबस्ट डिक्शनरी और दूसरा डिक्शनरी क्या है स्टूडेंट्स जैसा कि आपको हिंदी हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी या फिर उर्दू टू इंग्लिश डिक्शनरी जो है आपको डाउनलोड कर लेना है ओके okay? मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा स्टूडेंट्स ओके okay? इन दो डिक्शनरी का इस्तेमाल करना जो है बहुत ज़रूरी होगा अपने मोबाइल में अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स अगर आप पी इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप में भी बहुत सारे एप्लीकेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल है स्टूडेंट्स उनका डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट्स वो बहुत ही जबरदस्त होंगे इस कोर्स को आगे बढ़ने में ओके बहुत ही मददगार साबित होगा ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है स्टूडेंट्स हाउ मेनी वर्ड्स डू यू नीड टू बी फ्लुएंट ओके अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट स्पीकर बनना है तो आपको कितने वर्ड्स जो है सीखने होंगे ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर पूछते हैं बहुत सारे वीवर्स जो है मुझे कमेंट करते हैं कि वकेबलेरी का कोर्स लाइए तो मैंने कोर्स ला लिया है स्टूडेंट्स ओके okay? मैंने कोर्स ला लिया है व्यूवर्स ये वकेबलेरी का कोर्स जो है आपको बहुत ही ज़बरदस्त मददगार साबित होगा ओके okay? बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे लेकिन कितने वर्ड्स जो है आप सीखेंगे ये जो है आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स पहला तो शुरुआत में जो है आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना है ओके उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो आप और भी वर्ड्स डेवलप कर सकते हैं या फिर ना भी डेवलप करें तो भी कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स जैसे ही आप इस कोर्स को जो है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जो है इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तब आप जो है मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स आप एक फ्लुएंट स्पीकर की तरह आपको आ, बहुत सारे शब्द जो है पता हो जाएंगे ओके उन चर, उन वर्ड्स को जो है आप इस्तेमाल करना भी सीख जाएंगे ओके उन वर्ड्स को जो है आप माइंड में रखना भी जो है आपको आसानी से हो जाएगा स्टूडेंट्स ओके आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है ओके पहले हम ये सीख, ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स आपको कितने वकैबलरीज जो है आपको सीखना है कितने वर्ड्स जो है आपको सीखना है गौर कीजिए स्टूडेंट्स जो लोग जो है ढाई सौ से लेकर पांच सौ वर्ड जो है जानते हैं वो एक बिगिनर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एक बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिक लेवल के स्पीकर होते हैं ओके okay? अगर आपको बेसिक शुरुआत करना है तो आपको कम से कम जो है ढाई सौ से लेकर पाँच सौ वर्ड्स पता होने चाहिए ओके मुझे मुझे मैं जानता हूं स्टूडेंट्स आप जानते हैं या नहीं मुझे यह तो पक्का पता नहीं है लेकिन मैं आपके बारे में अच्छा अच्छी तरह से जानता हूं स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट से अगर आप सिक्स स्टैंडर्ड या फिर सेवेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से भी पूछ लें तो वो भी आसानी से जो है सोच सोच कर ढाई सौ वर्ड जो है आसानी से बता सकता है ओके क्योंकि उनको जो है बचपन से ही सिखाया जाता है ये फॉर ऑफ बी फॉर बॉल तो आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है पता होने चाहिए ओके डेली लाइफ में आप ही को पता नहीं होगा आप हिंदी

थाउजेंड से थ्री थाउजेंड वर्ड्स जानते हैं तब जो है आपको डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ही मददगार साबित होगा ओके आप डेली जो है इंग्लिश में बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स ओके सिर्फ थ्री थाउजेंड वर्ड्स को जानने में ओके ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स थाउजेंड से थ्री थाउजेंड वर्ड्स जानने पर जो है आपको एवरी डे कॉन्वर्जेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते ओके फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए जो है थ्री थाउजेंड वर्ड्स आर नॉट इनफ फॉर यू ओके आपको बहुत ज्यादा वोकेबलरी डेवलप करना होगा थ्री थाउजेंड वर्ड्स के साथ जो है आप सिर्फ ये एक तीन दिन या फिर दो दिन जो है आप अच्छी तरह बात कर सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक हफ्ता जो है आप बात कर सकते हैं उससे ज़्यादा बात करने के लिए हर जगह जो है हर सिचुएशन में आपको बात करने के लिए और भी वोकेबिलिटीज़ डेवलप करने होंगे जैसा कि आप ट्रेन में जा रहे हैं तब आप क्या बात कर सकते हैं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तब वहाँ वहाँ पर आप क्या बात कर सकते हैं किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेन में किन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके बहुत सारी सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स जैसे ही आपको ज़िंदगी मिल जाती है आप एक इंसान बन जाते हैं आपको एक लैंग्वेज जो है मिल जाता है स्टूडेंट्स आपके पास एक जबान हो जाता है तो आपको बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है स्टूडेंट्स तो उस हिसाब से जो है थ्री थाउजेंड वर्ड्स जो है इनफ नहीं है स्टूडेंट्स थ्री थाउजेंड वर्ड्स के साथ जो है आप एक हफ्ता बात कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओके आप ओके okay, गौर कीजिए स्टूडेंट्स वो बिगिनर लेवल के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो है टू फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड था स्टूडेंट्स ओके okay? आपको एक हफ्ते तक बात करने के लिए थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड वर्ड्स जो है इन फैल स्टूडेंट्स अपने डेली लाइफ में ओके okay? जैसे आप अपनी डेली लाइफ को आप चेंज करते हैं तो आपको बहुत सारी वोकेबलरीटीस डेवलप करनी पड़ेंगी जैसा कि आप जैसा कि आप स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं या फिर ऑफिस uh, जाते हैं तो आपको इन चंद वर्ड्स का इस्तेमाल करना आम हो जाएगा लेकिन जैसे आप हट कर किसी ट्रैवल को जाते हैं कहीं पर किसी और जगह जाते हैं कि कोई काम को कोई नया काम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो है और वर्ड्स इस्तेमाल होंगे

पाँच हजार से लेकर आठ हजार वर्ड्स जो है आपको जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स ओके okay? आपको पता होना चाहिए कंपल्सरी आपको फाइव थाउजेंड टू एट आपको पता होना चाहिए तभी जो है आप एक एडवांस लेवल के लैंग्वेज यूजर्स बन पाएंगे ओके okay? आप जो है आसानी से जो है बात कर सकेंगे ओके okay? आपको एक मामूली अंदाज में एक सिंपल इंग्लिश में आपको बात करना है तब तो जो है आपको पांच हजार से आठ हजार वर्ड्स जानना होगा ओके okay? और कीजिए स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या है नोइंग टेन थाउजेंड वर्ड्स पुडुएंट और नेटिव स्पीकर लेवल अगर आप दस हजार वर्ड्स जो है आप जान जाए तब जो है आप एक नेटिव स्पीकर के लेवल में आप बात कर पाएंगे स्टूडेंट्स ये मेरा आपका वादा करता हूँ स्टूडेंट्स ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ अगर जो है आपके पास जो है टेन थाउजेंड वोकेब डेवलप करने की हिम्मत आ जाए तब जो है आप आसानी से फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं और नेटिव स्पीकर की तरह बात कर सकते हैं ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स टेन थाउजेंड वर्ड्स को हमें सीखना यही हमारा इस यही हमारा इस वीडियो का जो है मकसद है स्टूडेंट्स इस कोर्स का मकसद सिर्फ आपको यही है कि आपको टेन थाउजेंड वर्ड्स जो है आपको मैं सिखाऊं ओके okay? यही मेथड है स्टूडेंट्स लेकिन टेन थाउजेंड वर्ड्स को जो है एक ही बार में आपको सीखना नहीं है स्टूडेंट्स आपको डेली के वर्ड्स जो है सीखना है लेकिन डेली के कितने वर्ड्स सीखना है ये मैं आपको अपने कोर्स में बताऊँगा स्टूडेंट्स और दूसरा जो है स्टूडेंट्स किन किन वर्ड्स को सीखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा स्टूडेंट्स किंग्स लेटर के वर्ड्स को आपको कितना सीखना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स जैसा कि आपको बता दूं अगर एक्स लेटर की वर्ड उठाएं तो बहुत सारे वर्ड्स तो होंगे स्टूडेंट्स लेकिन एक्स लेटर की वर्ड्स तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल ही नहीं करते ओके उसी तरह जेड लेटर के वर्ड्स भी हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अंग्रेजी में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स में जो है बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिन लेटर्स के वर्ड्स का इस्तेमाल हम ज़्यादातर नहीं करते ओके ये बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए सिर्फ मैं आपको बताऊँगा अपने कोर्स में ओके okay, गौर कीजिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू लर्न कॉमन इंग्लिश वर्ड्स यूज इन डेली लाइफ ओके आप जो है अपने डेली लाइफ में कॉमन इंग्लिश वर्ड्स जो है कैसे सीख सकते हैं ओके okay? तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स गौर कीजिए स्टूडेंट्स टू लर्न कॉमन वर्ड्स सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल चैन ऑफ ओके okay, आपकी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले कॉमन वर्ड्स इंग्लिश के कॉमन वर्ड्स को आपको सीखने के लिए जो है आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स मैं इस सारे पूरे कोर्स जो है वकेबलेरी का पूरा कोर्स जो है अपने चैनल में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगा स्टूडेंट्स ओके आई विल शेयर डेली कॉमन वर्ड्स फॉर वन ईयर थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओके मैं आपको एक पूरे साल में आपको जो है सिर्फ वोकैबुलरी का कोर्स करवाऊंगा ओके okay? कितना साल होगा स्टूडेंट्स पूरा थ्री सिक्सटी फाइव डेज ओके पूरे जो है एक साल में जो है थ्री सिक्सटी फाइव डेज जो है मैं आपको आपके साथ कॉमन वर्ड्स शेयर करूँगा ओके ये आपको मैं गारंटी देता हूँ स्टेड्स मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये कोर्स आपके सामने लाऊँ आपको सिखाऊँ लेकिन इससे बड़ी बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको इन इस कोर्स को कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स ओके okay? इस कोर्स को सिर्फ जो है ये क्या दो दिन देख कर जो है आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स आपको आखिर तक देखना चाहिए ओके okay? ज़्यादा वक्त देने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स सिर्फ डेली में दिन में जो है आपको बहुत ही कम वक्त जो है देना पड़ेगा और जो है स्टूडेंट्स दिस कोर्स इज फ्री ऑफ कॉस्ट नो नीड टू पे ओके ये कोर्स पूरा कोर्स जो है स्टूडेंट्स वोकेबले का बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल रहा है ओके okay? पुकट में मिल रहा है ऐसा मान लीजिए स्टूडेंट्स अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो पेड क्लासेस में आपके पास बहुत सारे पैसे ले जाएंगे कम से कम ढाई से तीन हज़ार रुपये आपके पास लिया जाएगा ओके लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा स्टूडेंट्स जैसा कि आपको यूट्यूब में बहुत सारे कोर्सेस ऐसे अवेलेबल हैं लेकिन वो लोग ये नहीं सिखाते कि किन वर्ड्स जो है आप डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ड्स नहीं सिखाते सिर्फ वो जो है अपनी डिक्शनरी के हिसाब से फॉलो करते जाते हैं लेकिन ऐसा होता है कि उसी वर्ड्स को सीखना चाहिए जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकें ओके जैसा कि आप मैंने आपको जो है एक वीडियो दिया था स्टूडेंट्स थाउजेंड वर्ड्स ओके थाउजेंड वर्ब्स का जो है मैंने एक वीडियो दिया था स्टूडेंट्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो में उस वीडियो को देखिए स्टूडेंट्स तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है स्टूडेंट्स तो उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि थाउजेंड कॉमन तो इंग्लिश वर्ब्स जो है मैंने आपको दे दिए थे अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो मुझे पक्का पता है स्टूडेंट्स वो जो है बहुत बड़ी वीडियो थी लेकिन मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताया था ओके सिर्फ एक दिन में कितने वर्ड्स सीखना है ओके कहाँ पर क्लिक करने पर डे वन के वर्ड्स सीखना है तो इस तरह के थर्टी डेज में जो सिर्फ मैंने थाउजेंड वर्ड्स जो है आपको सिखाया था उसमें ओके उसी तरह का मेथड मैं आपको यहां पर भी फॉलो करूंगा लेकिन मैं इस बार जो है थोड़ा सा अलग करके दिखाऊंगा ओके और कीजिए स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इन आवर कोर्स आई विल गिव यू वर्ड्स विथ सेंटेंसेस ओके इस कोर्स में जो है मैं आपको वर्ड्स भी बताऊँगा और उसके सेंटेंसेस में भी बताऊँगा कि वो वर्ड जो है सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ओके okay? उस वर्ड का मीनिंग क्या है तो उस किस सिचुएशन में जो है उस वर्ड को उस सेंटेंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने कोर्स में बताऊँगा स्टूडेंट्स ओके हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स ऑल दी वर्ड्स विथ मीनिंग इन हिंदी उर्दू ओके वर्ग कीजिए स्टूडेंट्स सारे वर्ड्स को ओके टेन थाउजेंड से ज़्यादा वर्ड्स जो है मैं आपको सिखाऊंगा इस कोर्स में लेकिन जो है चंद वर्ड्स जो है मैं आपको हिंदी उर्दू में बता दूंगा चंद वर्ड्स जो आपको आसानी से समझ आ जाए वो सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा ओके okay, ये बात जो है आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए ओके okay, हिंदी लैंग्वेज में भी बताऊंगा अगर हो सके तो उर्दू लैंग्वेज में भी बता दूंगा स्टूडेंट्स हिंदी उर्दू लैंग्वेज में ही बताऊँगा मैं आपको ओके okay, समझ आ गया स्टूडेंट्स ये सारा कोर्स जो है हिंदी उर्दू लैंग्वेज में ही होगा ओके गौर कीजिए स्टूडेंट्स पर डे जस्ट स्पेंड ट्वेंटी टू थर्टी मिनट टू लर्न ओके सिर्फ एक दिन में जो है जो आपको सिर्फ बीस से तीस मिनट जो है आपको लगाना चाहिए ओके okay? उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स ओके जहाँ तक मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स आपको 20 या 15 मिनट में ही आपको देना पड़ेगा उससे ज्यादा वक्त देने के लिए जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट्स इस कोर्स को इस कोर्स का ड्यूरेशन जो है सिर्फ एक साल है लेकिन वक्त जो है आपको कितना देना पड़ेगा स्टूडेंट्स पंद्रह से बीस मिनट जो है आपको एक दिन में देना पड़ेगा इतना ही स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स सिर्फ पंद्रह से बीस मिनट में मैं आपको डेली के एक साल के अंदर जो है दस हज़ार से ज़्यादा वर्ड्स मैं आपके सामने रख दूंगा और उसका इस्तेमाल भी बता दूंगा और उसका मीनिंग भी बता दूंगा और उसका सेंटेंसेस भी आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स ओके okay? किस सिचुएशन में उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी आप सीख जाएंगे ओके बहुत ही आसानी से सीखेंगे स्टूडेंट्स ओके गौर कीजिए स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो है आप कमेंट में कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए स्टूडेंट्स ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो